कैंट थाने पर आयोजित संपूर्ण थाना समाधान दिवस में एडीजी जोन अखिल कुमार ने आए फरियादियों की फरियाद को सुना तथा अधिकारियों को समस्याओं को 5 दिनों के भीतर निस्तारण के निर्देश दिए, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी थानों पर दूसरे और चौथे शनिवार को थाना संपूर्ण समाधान दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा, थाना समाधान दिवस का उद्देश्य है कि जो मामले पुलिस नहीं हल कर पाती है, ऐसे भूमि विवाद, नगर निगम से संबंधित विवाद के अधिकारियों को थाने पर बुलाकर मौके पर निस्तारण किया जाता है। उन्होंने कहा, शनिवार को आयोजित हुए थाना समाधान दिवस में अधिकतर मामले भूमि विवाद से संबंधित आए तथा मौके पर ही पुलिस और लेखपाल ने मिलकर मामले का निस्तारण कर दिया है तथा जिन मामलों का निस्तारण नहीं हो पाया है उन मामलों को 5 दिनों के अंदर निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, कलेक्ट्रेट चौकी प्रभारी अवधेश मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, ये चेक कराइएगा, मैंने चेक किया, आईओ निकलवाया आपने यहाँ तो पुराने पुराने आईओ के नाम डाले हुए, डॉक्टर पैनल रिपोर्ट कम्प्लीट है, वो चीज़ बजाय करो दरखास्त की बात है। कौन कौन है यहाँ सब, हर बैंक के आसपास जो परमानेंट डेटा टूटी लगाते हैं ये करा लीजिए, ये कितने दिन में करा लेंगे, एक सप्ताह में कर लेंगे, एक सप्ताह कर चुके चार कलेक्ट्रेट, आप लोग क्या देखिए, तो ये प्रार्थना पत्र का लोड हटाने का पर्पज है कि विवेचना जल्दी निस्तारण हो, तो वहाँ लोड हटा है, लोड हटा है कि नहीं हटा है, आप विवेचना के जनता तक में उससे काम कराइए और क्रिमिनल इंटेलिजेंस डेवलप करिए, अपराधी कौन है, कहाँ है, नया आदमी कौन आ गया, वो होनी चाहिए। तीसरा, क्योंकि शहर के आप लोग हैं, हर बैंक के सामने और जहाँ कमर्शियल काम होता है वहाँ ठेला लगाता है, आपको वो जूस बेच रहा है कोई, उन लोगों को अपना आईज एंड ईयर्स बनाइए, उनके मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए। एक दूसरे और चौथे शनिवार को थाना दिवस मनाया जाता है। थाना दिवस का उद्देश्य है कि विशेष रूप से जो जमीनी विवाद है, जिसमें रेवेन्यू ऑफिशल्स, नगर निगम, जहां ऐसे विवाद जो डायरेक्टली पुलिस हल नहीं कर पाती है क्योंकि उनको उन विषयों की जानकारी नहीं होती है, उन विभागों के साथ मिलकर उनको निपटारा करना। तो आज पूरे जोन में क्या पूरे प्रदेश में ये मनाया जा रहा है, उसी क्रम में सभी थानों पर थाना दिवस मनाया जा रहा है। आज हम कुछ थानों पर, मैं भी गया था और वहाँ पर समीक्षा की थी,
मुख्यतः हमारा उद्देश्य यह है कि जो भी आज प्रकरण आए हों और आज से पहले प्रकरण जो थाना दिवसों के मध्य आए हों जो भूमि विवाद से संबंधित हैं, उन सबको हम रजिस्टर करके उनका सही निस्तारण रेवेन्यू ऑफिसर्स के सहयोग से कर सके। तो इस दिशा में सभी जगह कार्रवाई चल रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलग थानों पर गए हैं, DIG अलग जगह गए हैं, मैं भी कुछ थानों पर भ्रमण कर रहा हूँ। तो एक सतत प्रक्रिया है, जितनी अच्छे ढंग से हम थाना दिवस को कर सकेंगे उतनी अच्छा सफल होंगे हम भूमि विवादों का निपटारण करने में और उससे जुड़ी अपराधों पर नियंत्रण करने में। कहाँ पर किस तरह के नॉर्मली देखिए, सभी जहाँ भी आप जाएंगे, मेरे पास अभी डिटेल्स नहीं है, तो हर थानों पे आप जाइए तो आज मुख्यतः भूमि संबंधित विवादों का ही निपटारा होता है। वैसे ये नहीं है कि दूसरे व्यक्ति नहीं आ सकते हैं, सभी तरह के आते हैं, बट आज विशेष रूप से दूसरे और चतुर्थ शनिवार सभी नागरिकों को याद रखना है कि इस रोज अगर उनका कोई मामला पहले से लंबित है थाने पे या कोई नया प्रकरण आता है तो अवश्य थानों पर जाएं, शिकायत उनकी दर्ज होगी और उसका समयबद्ध रूप से 5 दिनों के अंदर में निस्तारण किया जाएगा। देखिए वो एक हम लोगों का क्राइम कंट्रोल स्ट्रैटेजीज हैं, वो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग ने कुछ तरीके अपनाते हैं जिससे हम अपने क्राइम कंट्रोल किस तरह से करें, कैसे संदिग्धों पर नज़र रखें, उस विषय पर भी मैंने चौकी चारों से बात की है और ये सब लोग एक सामयुक्त लुक अगर लगेंगे, जनता का सहयोग लेंगे अपराध नियंत्रण में, तो हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं और सफल होंगे।